हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो ट्रेडर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न के बारे में। हेड एंड शोल्डर एक बेयरिश चार्ट पैटर्न होता है फ्रेंड्स, जो एक अप ट्रेंड के बाद आता है और ये ट्रेंड चेंज कर देता है फ्रेंड्स, किसी भी चार्ट का ट्रेंड चेंज कर देता है और इसलिए इसे ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न भी कहते हैं। और फ्रेंड्स, ये बनता कैसे है देखिए, आइए चार्ट पे देखते हैं। ये है चार्ट, इसमें चार्ट पर तीन पिक्स बनती है फ्रेंड्स, बीच जिसमें बीच वाली जो पिक होती है वो ऊंची होती है और जो साइड वाली दो पिक्स होती हैं वो लगभग लगभग बराबर सी होती हैं, जिसमें लेफ्ट वाले को लेफ्ट शोल्डर बोलते हैं और राइट वाले को राइट शोल्डर बोलते हैं और बीच में ऊंचे वाले को हेड बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक अप ट्रेंड के बाद आता है, ये अप ट्रेंड है, प्राइस ने यहाँ से प्राइस ने रिवर्सल हुआ, प्राइस ने नीचे सपोर्ट लिया, वापस से प्राइस ऊपर गया और लास्ट वाला जो हाई था उससे ऊपर हाई लगाया, उसके बाद प्राइस नीचे आया हाई लगाने के बाद, और फिर से जो लास्ट वाला लो था वहीं से लगभग लगभग वहीं से सपोर्ट लेकर ऊपर गया और जो उसका लेफ्ट वाला शोल्डर था जो लेफ्ट वाला हाई से लगभग लगभग उसी के इक्वल जाता है और वहां से प्राइस नीचे आ जाता है और इस जो नेक लाइन है इसका ब्रेकआउट कर देता है और फिर रिटेस्ट के लिए आता है और वापस से रिटेस्ट करके प्राइस नीचे चला जाता है फ्रेंड्स, और हमारा टारगेट अचीव हो जाता है। इसमें टारगेट जो होता है फ्रेंड्स, ये जो हेड की जो हाइट होती है उसके इक्वल हम उसी के इक्वल हम टारगेट लेकर चलते हैं या फिर अदरवाइज नीचे जो हमारा सपोर्ट होगा कोई उस सपोर्ट को लेते हैं। इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस होगा फ्रेंड्स, हमारा SL जो राइट वाला शोल्डर होगा उसकी हाइट पर होगा, उसके हाई पर, उसके बाद हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आगे एक और चार्ट देखते हैं। ये देखिए, ये भी सेम अप ट्रेंड में गया, प्राइस ने हाई लगाया, लेफ्ट शोल्डर बना, उसके बाद प्राइस नीचे आया, सपोर्ट लेकर वापस से प्राइस ऊपर एक और हाई लगाया, हाई लगाने के बाद प्राइस नीचे आया और वहीं से नेक लाइन से सपोर्ट लेकर वापस गया और इस बार राइट शोल्डर को कंप्लीट किया। राइट शोल्डर कंप्लीट करने के बाद इसने अपनी नेक लाइन का ब्रेक डाउन कर दिया और फ्रेंड्स वही सेम टारगेट ये होगा हमारा। और देखते हैं आगे और भी चार्ट, जैसे ये है, इसमें फ्रेंड्स ट्रेंड की तरह दिखा, देखिए लेफ्ट ऐसे प्राइस चलता है, प्राइस हायर लोज बना रहा है, हायर लोज बना के अब ट्रेंड में है और प्राइस ने ये वाला लो लगाया, ये वाला लो लगाने के बाद प्राइस रिवर्सल हुआ, वापस से ऊपर गया और फिर ऊपर हाई लगाने के बाद हेड को कंप्लीट करने के बाद वापस से नीचे आया प्राइस और फिर से नीचे आकर वापस ऊपर गया नेक लाइन पे सपोर्ट लेकर और राइट शोल्डर कंप्लीट किया उसने, फिर से नीचे आया प्राइस और फिर इस बार नेकलाइन को ब्रेक कर दिया और फिर रिटेस्ट के लिए गया, रिटेस्ट करके प्राइस नीचे आ गया। तो इसमें फ्रेंड्स हम वॉल्यूम कंफर्मेशन देखते हैं कैसे लेते हैं। देखिए, जब अप ट्रेंड में होगा तो राइजिंग वॉल्यूम होगा, उसके बाद जब ये हाई लगा रहा होगा, जब इसका हेड कंप्लीट, हेड वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो रहा होगा, उस टाइम पे ये वॉल्यूम फॉलिंग वॉल्यूम होगा फ्रेंड्स, वॉल्यूम गिरता हुआ होगा उसका। उसके बाद जब हमारा राइट शोल्डर बनेगा तो हमारा वापस से वॉल्यूम इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएगा जब वो ब्रेक डाउन करने लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये वॉल्यूम के साथ में कंफर्मेशन, ऐसे फ्रेंड्स RSI के साथ में भी देखते हैं, बाकी जो भी इंडिकेटर आप फॉलो करते हैं उसी के साथ में हमें ये चीज़ें देखनी होती हैं। अभी कैंडल स्टिक में देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए अब ट्रेंड, उसके बाद ये शोल्डर बनाया, वापस से प्राइस नीचे आया, फिर बीच में हाई लगाया, फिर से हेड बनाया, वापस से प्राइस नीचे आया, नेक लाइन पे सपोर्ट लेकर वापस से प्राइस ऊपर गया, शोल्डर बनाया फिर से राइट शोल्डर और फिर नीचे आया प्राइस, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके वापस से प्राइस नीचे चला गया। तो फ्रेंड्स ये होते हैं, ये पिक्चर परफेक्ट नहीं बनते फ्रेंड्स, ये हमें चार्ट पर प्रैक्टिस करके ही समझ में आएंगे। ठीक है, एक चार्ट देखते हैं फिर आगे फ्रेंड्स हम। फ्रेंड्स अब देखते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न किस चार्ट पे बन रहा है। देखिए चार्ट पे चलते हैं नौकरी के फ्रेंड्स, ये नौकरी के चार्ट पे बन रहा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। देखिए फ्रेंड्स, ये एक अप ट्रेंड है, ये एक अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के बाद प्राइस ने यहाँ पे हाई लगाया 5500 रुपये के आसपास तक के, उसके बाद प्राइस रिट्रेस किया, नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लेकर प्राइस वापस से ऊपर गया और उसने अपना लास्ट वाला हाई ब्रेक करके एक और हाई बनाया, एक और हाई बनाया इसने अपने 7000 रुपये के आसपास, उसके बाद प्राइस नीचे आया, रिट्रेस किया और जो लास्ट वाला लो था उसी लो के आसपास फिर से आ गया 4200 रुपये के आसपास, उसके बाद यहाँ पे आया, वापस से ऊपर गया और फिर नीचे जाने लगा। देखिए अब ब्रेक डाउन कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये इसका लेफ्ट शोल्डर हुआ,
फिर उसने हेड बनाया और राइट में राइट शोल्डर बनाया। पिक्चर परफेक्ट तो नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, लेकिन ये आपको देखने से प्रैक्टिस से ही आएगा समझ में। जैसे आप चार्ट पे प्रैक्टिस करेंगे, मिनिमम 100 चार्ट पे प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आपको अच्छे से समझ आने लगेंगे चार्ट। देखिए फ्रेंड्स, ये भी इसकी जो नेक लाइन थी उस नेक लाइन को ब्रेक कर रहा है। अगर ये ब्रेक इस कैंडल को कंप्लीट करने के बाद ब्रेकआउट कर देता है, ये कंप्लीट होने के बाद, तो हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद प्राइस नीचे आएगा, नीचे जाने के बाद वापस से प्राइस ऊपर जाएगा, रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करके वापस से प्राइस नीचे आएगा फिर। और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा फ्रेंड्स, ये वाला जो हाई होगा 5000 रुपये के हाई होंगे, वहाँ स्टॉप लॉस होगा। और हमारा टारगेट फ्रेंड्स, ये जो इसकी हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये जो हाइट है हमारी, और सेम इसके इक्वल हमारा नीचे टारगेट होगा। तो हमारा टारगेट बैठेगा फ्रेंड्स ये वाला, यहाँ पे ये लास्ट यहाँ पे सपोर्ट भी है। देखिए यहाँ पे इसका सपोर्ट भी है, सपोर्ट लेवल भी है, ये इसका टारगेट होगा। और फ्रेंड्स ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।